हेलो माय डियर एम्बाइबर्स वेलकम टू एम्बाइव नीट क्लासेस एम्बाइव नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान तो बच्चों अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट जेनेटिक्स का एक और सेगमेंट की तरफ हम कवर अप करेंगे जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एज वेल एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है तो फटाफट से आपको क्या करना है बच्चों नीचे लाइक बटन दिख रहा है लाइक बटन को दबा देना है ठीक है अगर कोई भी डाउट है कोई भी शंका है कमेंट सेगमेंट नीचे ओपन है जस्ट गो हैड एंड राइट डाउन एनीथिंग ठीक है आपको क्लास अच्छी लगती है तो लिखें क्लास के बारे में अगर और क्लासेज देखनी है मेरी अगर मेरी लाइव क्लासेस में मेरे साथ जुड़ना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है इम्बाइब ऐप डाउनलोड करें तो आपको नीचे इम्बाइब ऐप का अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यू मिल जाएगा जस्ट गो हैड एंड डाउनलोड अवर इम ऐप वहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेस चलती हैं ठीक है वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चलती है तो वहाँ पे मेरी भी लाइव क्लास होती है तो अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो जस्ट गो हैड एंड ज्वाइन अवर इम्बाइब बाइव लाइव क्लासेज ऐप ठीक है लाइव क्लासेज पे आप आ सकते हैं ठीक है अब मैं आज का जो टॉपिक है वो क्या जाएगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जाने वाला है एज वेल एज अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ मेरा नाम आप सबको मैंने अभी बताया था मेरा नाम सलमान अनवर खान है मैं काफ़ी सालों से बच्चों बॉटनी पढ़ा रहा हूँ ठीक है अगर आप बायोलॉजी देखें तो बायोलॉजी में दो सेगमेंट होते हैं वी हैव बॉटनी एंड एन्जोलॉजी तो बॉटनी सेगमेंट बच्चों मैं पढ़ाता हूँ जोलॉजी सेगमेंट आपको काजल मैम पढ़ाती हैं ठीक है तो आपका दोनों सॉर्टेड है बायोलॉजी ठीक है तो बॉटनी एंड एनजोलॉजी तो बॉटनी पढ़ने के लिए मुझसे आपको फटाफट से आप डाउनलोड करके लाइव क्लासेस पे आपको मिलना है तो आज हम क्या बात करें हमने आज हमने हेडिटी एंड वेरिएशन की कई सारी डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैसे एक जीन का इनहेरिटेंस एक जीन जैसे कैसे मूव करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो हम कवर अप करेंगे तो हमें पता है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स ठीक है हमें पता है कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स इफ यू विल टॉक अबाउट द फादर ऑफ जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं बच्चे द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉन मेंडल अगर हम फादर ऑफ जेनेटिक्स देखें हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बच्चों हमारे ग्रेगार जॉन मेंडल है ठीक है ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स ठीक है इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया और उन्होंने क्या किया था बच्चों हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था ही हैज़ परफॉर्म्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ठीक है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था और उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में कुछ पर्टिकुलर तीन स्टेप्स थे इसीलिए उनके जो वो पेपर था उनका नाम क्या था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन उनका क्या था पेपर का नाम था अभी जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे उसके अंदर में बेसिकली उन्होंने तीन स्टेप लिए थे स्टेप नंबर वन अगर हम पहले स्टेप के बारे में बात करें द स्टेप नंबर वन इज बहुत ही सिंपल सा स्टेप है आपका क्या है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स आई थिंक सो ग्रीन कलर देखिएगा नहीं तो येलो से लिखता हूँ सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स उन्होंने चेक किया कि अच्छा मेरे पास अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं तो मैं ये 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 पेरेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है मैं ये 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 पेरेंट को क्या कर लेता हूँ गाइज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो सबसे पहला स्टेप क्या था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कि अच्छा मुझे टॉल चाहिए शॉर्ट चाहिए ठीक है मुझे इनफ्लेटेड uh, सीट चाहिए या कॉन्स्ट्रक्टेड चाहिए मुझे ग्रीन चाहिए या येलो सीट चाहिए ठीक है तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स को क्या कर लिया गाइज सिलेक्ट कर लिया कि अच्छा मेरे मैंने ये आपके पेरेंट्स लिए हैं सेकेंड स्टेप क्या है आपका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन दिस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड आई नोट इस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इस आल्सो कॉल्ड एस व्हाट आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वी कैन आल्सो कॉल दिस एस आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड विथ द स्टेप्स कॉल्ड एस इमास्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग। इन सारे स्टेप्स के थ्रू उन्होंने आर्टि� उन्होंने ये सारे स्टेप्स के थ्रू क्या किया था अपने सारे लॉ को प्रूव किया था ठीक है की गलत है चलो कोई नहीं हो गया ठीक है तो इन सारे स्टेप्स के थ्रू उन्होंने पूरा का पूरा स्टेप किया था पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस को परफॉर्म किया था आपके पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उन्होंने क्या दिया था बच्चों आपके मोनोहाइब्रिड एज वेल एज हाइब्रिड क्रॉस देते well जिसमें क्या होता है, mono, suggests, इसके अंदर क्या होगा? एक, क्या है? सब कुछ सेम है सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या होता है चेंज हो रहा है जैसे कि आपका टॉल एंड ऑफ ठीक है और फिर हाइब्रिड में क्या होता है दे हैव टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ठीक है तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया फॉर एग्जाम्पल इट सपोज वी आर गोइंग टू टेक अ पेरेंट हम एक पेरेंट ले लेते हैं ठीक है वी आर गोइंग टू टेक अ पेरेंट पेरेंट कैसा है बच्चे आपका टॉल है और कैसा है डॉफ है ठीक है पेरेंट इज टॉल एंड वॉफ पेरेंट कैसा है बच्चे आपका टॉल लिया और डॉफ लिया टॉल पेरेंट कैसा था आपको अगर हम टॉल पेरेंट को अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो ये आपका होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा क्या है बच्चे आपका ये है इससे गिमीट आया क्या कैपिटल टी इनसे गिमीट क्या आया स्मॉल टी ठीक अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया जो कि आपका सेकंड स्टेप था तो आपका यहाँ पे क्या आ गया बच्चे दिस वॉज द गिमीट्स गिमीट्स के बाद बच्चों हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया ठीक है हमने इसका क्रॉस पॉलिनेशन किया जब हमने इसका क्रॉस पॉलिनेशन किया तो इसका जो आउटपुट आया जो आउटपुट आया यहाँ पे द आउटपुट केम आउट टू बी कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है द आउटपुट केम आउट टू बी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या आया बच्चों आपका आउटपुट आया ठीक है एक कैपिटल टी आया और एक दूसरा क्या आया बच्चों आपका स्मॉल टी आया तो ये क्या था बच्चों यहाँ पे वो मेंडल भाई साहब देख के हैरान हो गए यहां पे जो इनकी जो फर्स्ट फाइनल जनरेशन थी द फर्स्ट फाइनल जनरेशन केम आउट टू बी टॉप यहाँ पे सारे के सारे के निकले और फिर क्या किया उन्होंने सेल्फिंग की सेल्फिंग की कैसे उन्होंने 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 एक तरफ तरफ क्या किया 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 और दूसरी तरफ, capital t, small t, किया. Mathematically भी well खुद से एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले हमने क्या किया इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैसे आगे टॉल फिर दिस कैपिटल टीज भी दिस कैपिटल टी तो क्या आ गया ये भी कैसा निकला टॉल बिकॉज ये क्या है एक डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर देन T, t t t, t, परफॉर्म तो किया, किया था अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो अगर हम जीनो टाइप देखें वो कितना होता है जीनो टाइप मतलब क्या होता है जेनेटिक मेकअप अगर हम इसका जेनेटिक मेकअप देखें जेनेटिक्स के लिए कैसा है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एज वेल एज स्मॉल टी स्मॉल टी ये जेनेटिकली है तो कैपिटल टी कितने हैं बच्चों वन

तो टॉल कितने हैं बच्चों वन टू थ्री तो टोटल तीन टॉल है और एक कैसा दो ऑफ है थ्री टू वन का रेशियो आता है ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने क्रॉसेस को परफॉर्म किया था तो वही चीज यहाँ पे लिखी मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द हाइब्रिड ऑफ टू इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस जीनोटाइप विच रिजल्ट इन द ऑपोजिट फिनोटाइप फॉर अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेड ठीक है जो कि रिजल्ट करें ऑपोजिट फिनोटाइप द क्रॉस फॉर्म बिटवीन टू हाइब्रिड ट्रेट्स जब हमने दो को क्रॉस किया तो उसको हमने क्या बोल रहे हैं बच्चों आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बुला रहे हैं क्रॉस इज सिब फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ वन जी ठीक है ये आपका एक जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपल था ये एकदम सिंपल तरीके से उन्होंने ये किया अब इसके बाद उन्होंने क्या किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस दिया जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस तो टेस्ट क्रॉस जो भी है बच्चों पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक समझाऊंगा टेस्ट क्रॉस का ठीक है आपको एक छोटा सा बेसिक समझाऊंगा देखो टेस्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है टू नो द अननोन जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट सिंपल एज दैट टू नो द अननोन जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट इसलिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस बोलोगे सर कैसे तो टेस्ट क्रॉस कम्स अंडर हेडिंग कॉल्ड एज बैक क्रॉस ये एक बैक क्रॉस के अंदर में आता है बहुत ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको समझाता हूँ लेट सपोज वी हैव अ पेरेंट कैपिटल टी कैपिटल टी और दूसरा पेरेंट क्या है स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है वी हैव कैपिटल टी कैपिटल टी एंड देन वी हैव स्मॉल टी स्मॉल टी अब इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों क्रॉस कर रहे हैं ठीक है वी आर गोइंग टू क्रॉस जब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं तो इससे प्रोजिनि क्या आएगा अगर हम रिजल्ट देखें डायरेक्ट

तो हम इसको क्या बोलेंगे आउटक्रॉस वी विल कॉल इसको हम क्या बुलाते हैं ठीक है अब आप बोलोगे सर कैसे क्या हो रहा है तो तो मैं आपको समझाता तो हमेशा याद करना कब होता है? जब आपका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो कितना है? One is one है हमेशा याद रखिएगा व्हेन द जीनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है when the coming, कितना आपको हमेशा याद करना है कैसे? मैं आपको दिखाऊंगा तो चाहे वो मोहनहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे जैसी कंडीशन हो आपका रेशियो कितना आना चाहिए वन इज टू वन आना चाहिए so, so, सबसे पहले क्या करेंगे हम कैपिटल टी स्मोल टी को क्रॉस करेंगे किसके साथ

तो अगर हम इसको फिर से सिंपलीफाई करेंगे इफ यू आर गोइंग टू इट अप ठीक है तो रेशियो कितना आ जाएगा वन इज टू वन का रेशियो आ जाएगा तो आप देखे हो गए ना कि नहीं द दूनिटिपिक एंड फिनेटिपिक रेशियो कम्स आउट टू बी वन ठीक है ये आपको हमेशा याद करना है टेस्ट क्रॉस के अंदर में द दिनेटिपिक एंड फिनिटिक रेशियो इज ऑलवेज वन इजू वन ठीक है आपका हमेशा जीनेटिपिक एंड फिनिटिफिक रेशियो क्या रहेगा सेम रहता है डेट इज वन इज टू वन अब अगर हम आउटक्रॉस के बारे में बात करें आउटक्रॉस में बेसिकली क्या हो रहा था द बीन क्रॉस विद डोमिनेंट तो अब हम इसको क्रॉस कर लेते हैं तो यहां पे क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी इज बीन क्रॉस विद कैपिटल टी कैपिटल टी जब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं तो इसकी क्रॉसिंग देख लेते हैं तो यहां पे क्या आ गया कैपिटल टी कैपिटल टी यहां पे भी क्या आ गया गाइस कैपिटल टी कैपिटल टी यहां पे क्या आ गया कैपिटल टी स्माल एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया ठीक है ये आ गया यहाँ पे रेशियो ठीक है कैपिटल टी कैपिटल टी आ गया यहाँ पे और ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी अब अगर हम इसको क्रॉस करते हैं ढंग से अगर हम इसका आप जीनोटिपिक रेशियो देखें जीनोटिपिकली कैसे हैं बच्चों ये कैपिटल टी है और दूसरा क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी है ठीक है तो अगर हम इसको सिम्पलीफाई करके देखें तो कितना आ जाएगा वन इस टू वन आ रहा है और वहीं अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप में क्या है फोर इस टू जीरो मतलब सारे के सारे कैसे हैं टॉल है ऑल टॉल ठीक है तो आउट क्रॉस इसका क्या है अलग है

ये रेशियो हमेशा आपका दोनों सिनेरियो में सेम रहेगा आउट क्रॉस एंड सेम टेस्ट क्रॉस ठीक है तो चाहे जो हो जाए आपको ये सीक्वेंस याद करें तो अगर वन एस टू तो वन अगर क्रॉस आ रहा है अगर हम एफ वन प्रोजोनी को आपके किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो अगर हम एफ एन प्रोजनी को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं और इसका जूनिटपिक एंडिटपिक रेशियो सेम आ रहा है तो ये क्या है एक टेस्ट क्रॉस है अगर हम किसको क्रॉस कर रहे हैं मतलब हमें पता चल जाएगा ये क्या है होमोजाइगस रिसेसिव है अगर डोमिनेट के साथ कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या आपका रेशियो ये आएगा ठीक है तो सिंपल यही चीज की थी उन्होंने सिंपल यही चीज पूरे के पूरे टेस्ट क्रॉस के अंदर में मतलब बैक क्रॉस के अंदर में किया था ठीक है सिंपल था कि नहीं मजा आया कि नहीं मजा आया टेस्ट क्रॉस पढ़ने में एक क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने फटाफट से आप क्या करेंगे वीडियो पॉज करेंगे एंड कमेंट सेगमेंट में आंसर देंगे जस्ट गो हेड एंड पॉज दिस वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स द नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस ड्यूरिंग एफ टू जनरेशन इन मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस वॉज वन टू थ्री फोर आसान क्वेश्चन है जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन ठीक है जस्ट गो हेड एंड पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन आई एल गो हेड ठीक है इज वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू द फिनोटिपिक द फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन एफ टू जनरेशन इज सा है। है, को फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक आपको नहीं दिखाऊंगा सोल्यूशन भी ठीक है अब उसके बाद उन्होंने जब मोनोहाइब्रिड एंड ऑल चल रहा था तब उन्होंने क्या किया प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन दिया जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने क्या कहा कि आपके जो प्रोबेबिलिटी होती है की

कैपिटल टी आएगा वो आपके फिफ्टी परसेंट चांस है आपके पास स्मॉल टी आएगा वो आपके पास 50 परसेंट चास्स है ठीक है हमेशा ये जो मूवमेंट के जो चांसेस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं गाइस 50 50 परसेंट होते हैं ठीक है दैट इज ऑलवेज 50 50 परसेंट हमेशा कि आपके पास कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा इसके जो चांसेस हैं दे आर ऑलवेज फिक्स की ये हमेशा कैसे होते हैं फिफ्टी फिफ्टी मतलब अगर आपके पास आ, बालों का पैटर्न आ रहा है तो वो चांसेस कैसे होते फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होते हैं मतलब अगर ये जो क्रोमोजोम अगर पेयर में भी है सपोज ये पेयर के क्रोमोजोम है कि कौन सा आम किस जाएगा वो भी आपके कैसा होता है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तो एक आम इधर इस तरीके से अलग हो सकता है एक इस तरीके से तो ये हमेशा कैसा होता है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होता है एज वेल एज ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये कैसा है यूनिवर्सली करेक्ट दिस इज यूनिवर्सली करेक्ट इन नेचर ये हमेशा करेक्ट रहता है चाहे जो हो जाए ठीक है दिस यूनिवर्सली करेक्ट इन नेचर चाहे जो हो जाए ये लॉ नहीं चेंज होगा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ये लॉ चेंज नहीं होगा तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया द टू फैक्टर ये जो दो फैक्टर और अलील है ठीक है द टू फैक्टर्स और जिसको हम जीन्स भी बुलाते हैं और अलील्स ऑफ अ अट्रेड रिमेन टूगेदर इन एन इंडिविजुअल एंड डू नॉट मिक्सड अप बट कीप देर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट

अब अगर हम बात करें अगर हम देखें देर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस मतलब देर वॉर सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ इन लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक है जो कि आपका क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इट इज एन एक्सेप्शन टू ये मेंडल के लिए एक्सेप्शन था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस जो इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके खिलाफ ये था ठीक है उन्होंने बेसिकली क्या हुआ था हमारे एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया बच्चों बेसिकली वॉज वर्किंग ऑन मिराबले जिला और स्नैप ड्रैगन फ्लॉर एंटीरियम मेजेस को बुलाते हैं तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने क्या लिया एक मैं भी आपको करके दिखाता हूँ आपके पास डायग्राम भी मैं करके भी दिखाता हूँ एक रेड कलर का फ्लार लिया और एक क्या लिया बच्चे व्हाइट कलर का आपका फ्लार लिया ठीक है ऊपर क्यों लिख दिया व्हाइट मैंने नीचे लिखते हैं ठीक है यस टेकिन रेड कलर फ्लावर एज वेल एज अ व्हाइट कलर फ्लावर ठीक है उन्होंने रेड एंड व्हाइट दो कॉम्बिनेशन के फ्लावर ले लिए ठीक है दूसरा क्या लिया स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ले लिया लेट सपोज व्हाइट ठीक है एक रेड लिया और एक वाइट लिया अब उन्होंने क्या किया इसको क्रॉस कराया ठीक है इनको क्रॉस कराया तो क्रॉस के बाद क्या मिला उनको राइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस दिस शुड बी रेड इन कलर बट हुआ क्या ये दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए व्हेन बोथ द जीन्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन द दोजाइगस फॉर्म देन दे आर गोइंग टू शो अ इंटरमीडिएट कलर उन्होंने क्या किया एक इंटरमीडिएट कलर को शो किया ठीक है एक इंटरमीडिएट कलर शो हुआ वो कौन सा था पिंक कलर ठीक है दे हैव शोन अ इंटरमीडिएट कलर दैट वाज अ पिंक कलर उन्होंने शो किया ठीक है ही हैज ऑब्जर्वड अ पिंक कलर उन्होंने ऑब्जर्व किया ठीक है तो आर डब्ल्यू क्या निकला बच्चों उनका एक पिंक कलर निकला तो वो हैरान हो गए उन्होंने क्या किया फिर इसकी इसकी क्या कराई सेल्फिंग कराई तो अगर हम इसकी वो मेरा फेवरेट है लाइन मेथड तो आई विल डू इट बाय लाइन मेथड आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आप चाहो तो पीनेट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो तो यहां पे क्या देखा बच्चों उन्होंने कैपिटल आर कैपिटल आर फिर क्या पाया बच्चों कैपिटल आर डब्ल्यू देन क्या आया बच्चों आर डब्ल्यू एंड देन अगेन डब्ल्यू डब्ल्यू सो उन्होंने क्या देखा कि उनकी प्रोजनीज में क्या पाया उन्होंने उन्होंने क्या देखा अरे ये क्या मिला उनको दो पिंक फ्लावर मिल गए एक रेड फ्लावर मिला और एक क्या मिला व्हाइट फ्लावर मिला ये कैसा कलर था ये रेड था ये दोनों पिंक थे And उनको क्या मिला वाइट मिला एंड सी दैट देर इज डेविएशन इन द इन द लॉ ऑफ डोमिनेंस इससे क्या उनको deviation मिला उनको डेविएशन मिल गया जब उन्होंने रेड एंड व्हाइट को क्रॉस किया तो इस तरीके से उन्होंने एक पिंक कलर का फ्लावर पाया जो कि उनको एक उनके लिए एक बहुत ही विचित्र बात थी ये अलग कैसे हो गया एंड फिर उनका उन्होंने जीनोटिक रेशियो देखा अगर हम इसका जीनेटिपिक रेशियो की बात करें मतलब मेक तो जीनेटिक मेकअप तो जेनेटिकली ये कैसे कैसा पाया उन्होंने कैपिटल आर कैपिटल आर कितने एक है कैपिटल आर डब्ल्यू कितने बच्चों दो हैं एंड डब्ल्यू डब्ल्यू कितने बच्चों वन है रेशियो कितना गया जीनेटिपिक रेशियो वन इज टू टू इज टू वन रेशियो ठीक है जेनेटिपिक रेशियो कम्स आउट टू वन इज टू टू इस वहीं पर अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो चेक करें फिल टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो ठीक है तो फिनोटिपिकली कैसा दिख रहा है बच्चों वी हैव रेड ठीक है वी हैव पिंक एंड वी हैव वाइट तो आप देख सकते हैं क्या ये कैसा हो रहा है ये जेनेटिकली एंड ये आपका बेसिकली क्या है ये दोनों के दोनों इसका जीनोटाइप आइप एंड फिनोटाइप भी सेम है रेड कितना था एक पिंक कितना है दो एंड वाइट कितना है के के आगे बच्चों आपका अंदर में द जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो कितना है बच्चों वन इज टू टू इज टू वन ठीक है एंड फिनोटिपिक रेशियो कितना आ गया बच्चों एग्जैक्टली सेम आ रहा है यहाँ पे ठीक है तो वहां पे एक अलग डेविएशन पाया तो वही चीज यहाँ सेम चीज लिखी है तो हम पढ़ लेते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ जीन जीवन इन विच बोथ अल्स ऑफ जीन एट अ लोकस आर पार्शली एक्सप्रेस्ड ऑफन रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट और डिफरेंट फिनोटाइप ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस ठीक है एक्जाम्पल क्या द नेटन ऑफ फ्लार कलर द डॉग फ्लॉर्स स्नैड ड्रैगन और एंटीरियम मेजेस ठीक है

जैसे कि आपकी मैं एक कोर का एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ लेट्स वी हैव अ क्रॉस बिटवीन आई ए ओ विथ आई बी ओ लेट सपोज एक क्रॉस करके देखते हैं आपके सामने ले रहा हूँ ठीक है यहाँ पे हाँ ठीक है आई ए आई बी आ गया यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ बच्चों में ये यहाँ पे क्या गया? I, a, I, आ गया आई ए आई ओ आ गया आई बी आई ओ आ गया एंड देन ब्लड ग्रुप ओ आ गया तो आप देख सकते हो यहां पे ए और बी क्या है दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं ठीक है आई ए आई बी दोनों क्या है डोमिनेंट जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट है व्हेन बोथ द डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट टुगेदर बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ये दोनों क्या कर रहे हैं बचो तो या फिर तो हम कह सकते हैं द बोथ सॉरी द बोथ आर एबल टू एक्सप्रेस दोनों ही एबल कर रहे हैं एक्सप्रेस करने का तो ये पार्शियली नहीं कर रहे हैं. ये क्या करे को डोमिनेट करें दोनों ने मिल मिली जुली सरकार कर रहे मिली जुली सरकार कर रहे हैं कि अच्छा हम दोनों ही डोमिनेट करते हैं

ये आपका पूरा का पूरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिटेल में पढ़ना है एज वेल एज इस फॉर्मुले के ऊपर में क्वेश्चन ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है एक चुटकी मतलब फटाफट से ऐसे क्वेश्चन आराम से आराम से चीजें कर सकते हैं ठीक है अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप आराम से कर सकते जैसे आपको नंबर ऑफ गेमी निकाल लें तो टू रिस्ट पावर एन वट इज एन ओवर है नंबर ऑफ हिट्रोसाइगो अगर आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप निकाल लें टू रिस्ट पावर एन एन क्या है नंबर ऑफ हिट्रोसाइगो अगर आप कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये क्रॉस है इसका नंबर ऑफ जीनोटाइप बताओ कुछ नहीं करना बस ये फॉर्मुला लगा देना सिंपल एन बाई टू ब्रैकेट एन प्लस इन सारे तो इन सारे फॉर्मुलेज के ऊपर तो, आपको क्वेश्चन करने है तो आपको कहां जोड़ना है बच्चों आपको एम्बाइब लाइव क्लासेस में मेरे साथ जोड़ना है ठीक है यू हैव टू ज्वाइन मी ऑन ऑन क्वेस्ट ऑन एम्बाइब लाइव क्लासेस ठीक है Life classes में आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे so आप आप अगर आपको ढंग से, से चीजें पढ़नी है तो भाई एम्बाइव लाइव क्लासेस पे आना है इम्बाइव लाइव क्लासेस पे आए डेली मेरे साथ क्लास अटेंड करें तो एम्बाइव लाइव क्लासेस के ऊपर आप जाओगे तो आपके पास एल वाला सेगमेंट होता है यू हैव लर्न

Keep imbibing. We believe in you.